नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको किस प्रकार से अपना घर बनाना चाहिए ताकि आपके घर में सुख और शांति हमेशा ही रहे। सभी चाहते हैं कि चाहे आपके कोई त्योहार हो या फिर कोई भी खुशखबरी हो जो आपके घर में हो, और उसके लिए आपके लिए बधाई तो कोई ना कोई देता ही रहता है। और आप सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और खुशियाँ हमेशा ही आती रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे वास्तु शास्त्र हैं जिसके हिसाब से आप अपना घर बनवाते हैं तो उससे आपके घर में सुख और शांति हमेशा ही रहेगी। नंबर एक, मकान का मुख्य द्वार। जब हम घर बनवाते हैं तो हम सबसे पहले तय करते हैं कि हमारा घर का जो मुख्य द्वार है वो किस साइड होना चाहिए। वैसे मुख्य द्वार किसी भी दिशा में रखो, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में जल्दी ही प्रवेश करती हैं। यदि आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा पर ही निकलता है तो उसके लिए एक उपाय है, आप अपने दक्षिण द्वार पर एक दर्पण लगाएं। दर्पण लगाने से एक फायदा ये होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में प्रवेश करेगी वो आईना ही देखकर वापस लौट जाएगी। तो ये है मुख्य द्वार अगर आपके दक्षिण में होता है तब। नंबर दो, अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर ओम की तस्वीर या फिर कोई भी ऐसी आकृति जरूर लगाएं जिससे कि आपके घर में सुख और शांति रहे और नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ना आए। नंबर तीन, यदि आप अपने घर के उत्तर पूर्वी दिशा में एक कलश भर कर रखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक चीजें जितनी भी है वो आपके घर से दूर रहती हैं। नंबर चार, खिड़की और दरवाजे। हमने खासकर देखा है जब भी हम अपने घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हमारे घर में रोशनदार कितने होने चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी आपके घर में आएगी उतने ही ज़्यादा आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो कोशिश ऐसी ही करें जब भी आप अपना घर बनवाएं तो खिड़की ज़्यादा ही लगवाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सूर्य का प्रकाश आपके घर में प्रवेश करेगा बीमारी उतनी ही दूर रहेंगी। नंबर पाँच, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में बैठक कमरा जो होता है उसके लिए तैयारी अच्छे से करें, उसमें गुलदस्ता जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य या फिर आने वाले जो भी आपके मेहमान हैं वो थोड़े खुश भी रहेंगे और लड़ाई झगड़े से दूर भी रहेंगे। पर छह, किचन। जब भी आप अपना किचन बनवाएं तो उसमें खास कर ख्याल रखें कि कभी भी मंदिर ना बनवाएं या फिर कोई भी अलमारी ना बनवाएं जिसमें मंदिर का सामान रखा हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक चीजें रहेंगी और कभी भी भगवान का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये थे वह कारण अगर यदि आप अपने घर का डिजाइन इस प्रकार से करवाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां हमेशा ही रहेंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।